ये कहानी है समुद्र किनारे बसे एक छोटे से शहर हरिनगर की। यहाँ पर एक बहुत पुराना लाइट हाउस है जो किसी जमाने में समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाया करता था, और अब हरिनगर में रहने वाले लोग भी उस लाइट हाउस के नजदीक जाने से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है उस लाइट हाउस में भूत है। और फिर अचानक एक दिन एक लड़का श्याम और उसके दोस्त अपनी कटी हुई पतंगों का पीछा करते हुए उस लाइट हाउस तक आ पहुंचते हैं। तेरी माँ है। चल चल चल, चल देखते कहाँ है वो। देखो, डरो नहीं मेरे नन्हे फरिश्ते, मैं भूत नहीं तुम्हारी माँ हूँ। फिर ये मुंह पे क्या लगा रखा है और ये बाल? इसे पैक फेस कहते हैं। पैक फेस? कुछ लोग फेस पैक भी कहते हैं। फेस पैक। और ये मेरी नई हेयर स्टाइल है, कैसी लगी बेटा? अरे मिसेस वर्ल्ड, मुझे भूख लगी है। अरे कहाँ से पैदा हो गया ये भुक्कड़? देख बेटा, रॉन्ग डोर नॉक मत कर। ये तुम्हारे पापा है ना, वो है फूड इंचार्ज। कैसे बाप हो तुम, अपने बेटे को दो डिश भी नहीं खिला सकते? किसने बना दिया तुम्हें लायर? अरे लायर नहीं, लॉयर। लॉयर और लॉ की किसी किताब में खाना कैसे बनाया जाता है वो नहीं लिखा होता। ठीक है बहुत हो गया अभी डिस्कशन। कुछ लोग डिस्कशन भी बोलते हैं। गार्डन में चलो, पापा खाना लाते हैं। परे हूँ मैं। टिंगो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, आज मैं फिर लेट हो गया हूँ। मामी मुझे नहीं छोड़ेगी, ये सब तेरी वजह से हुआ है टिंगो। तू रास्ते में रुककर खाता है भेलपुरी और मैं खाता हूँ मार। तू घबरा मत, मैं ऊपर चढ़ के अंदर का पूरा हाल बताता हूँ। शाम कहाँ है, मुझे क्या बता? देखा अपने भांजे को? अब आएगा तब देखूंगा ना। पर निकल आ गए उसके। ओहो,
वो आ जाएगा। अरे आएगा तो इधर ही ना, जाएगा कहाँ? यही तो मेरे कलेजे पे बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ेगा। अब इस दुनिया में है ही कौन हमारे सिवा उसकी टेक केयर करने वाला। कितना काम पड़ा है घर में। तो मैं हूँ, तुम अकेले कैसे करोगे सब काम? सब यूजलेस फेलो इसी घर में टुगेदर हो गए हैं। श्याम आजा, तू घर में आ जा, नहीं टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दी ना मैंने। अबे श्याम क्या कर रहा है, मैं नीचे की जाऊंगा तो? टिंगू वेरी गुड, अब बता अंदर क्या हो रहा है। लड्डू लड्डू समोसे कचौरिया। ये समोसे कचौरियों का साइड में रख और बता के दीपक कहाँ है। वही तो खा रहा है सारा माल, और उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है कमाल। अबे तुझे खाने के अलावा कुछ छूटता भी है? बेटा तू खाता रहे, हाँ खाता रहे, मैं आती हूँ। और कितना खाएगा मोटे, एक गुलाब जामुन मेरे लिए भी छोड़। क्या हुआ मामी? मामी अभी तो यही थी और ठूस ठूस कर अपने मोटे को लड्डू पेड़े खिला रही थी, पर अचानक अचानक गायब कहाँ हो गई। चल चल। अरे अरे क्या हुआ? शाम शाम वो देख, तेरी मामी ने बिल्कुल तेरे जैसे लड़के को लाई है और वो भी कान पकड़े हुए। इतनी देर कहाँ मर गया था तू? बर्तन सब अंदर टुगेदर हो गए, कौन धोएगा? ऊपर से तेरे मदर फादर आने वाले हैं। अरे मदर फादर तुम्हारे होते हुए आने वाले क्या यार? चलो तुम चलो, चल चल आज दिखाती हूँ तुझे साले। चल श्याम, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? श्याम श्याम कुत्ते 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 सुन, अगर कल से लेट किया तो ये दोनों टांगे ना वो तोड़ के हाथ में रख दूंगी, समझा? नमक हराम। चल चल आज निकम्मे, बर्तन दो। अगर एक भी बर्तन टूटा ना तो तोड़ के हाथ में रख दूंगी तुझे। चल तके परी। बाबा आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, क्यों चले गए? या किसी को मेरी चिंता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। भाभी मुझे बहुत मारती है, खाना भी नहीं देती है। आप लोग ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैंने आप लोगों को अब तक देखा भी नहीं है। मैं बहुत अकेला हूँ बा, मैं बहुत अकेला हूँ बाबा। क्यों मुझे छोड़ के चले गए, क्यों? अरे आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे, प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। ले आया
इस धोखेबाज को। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई मेरे साथ। माखन लाल अकेला ही राज करता हूं और करूंगा। भगवान कृष्ण माखन चोरी करते थे और मैं माखन लोगों के वोट चुराकर एमएलए बना हूं। बहुत चालाकी और होशियारी से मैंने ये एमएलए की सीट हासिल की है ताकि अपने सारे काले काम कर सकूं और हरिनगर की सारी जमीन अपने नाम कर सकूं। यहां से गुजरने वाली हवा भी मेरे सामने आते ही अपना रुख बदल लेती है। इन मूर्तियों का धंधा करके मैं अपना राज्य चलाता हूं और तेरी इतनी हिम्मत की तूने मेरे साथ ही चाल चलने की कोशिश की। मुझे मुझे एक मौका और दीजिए। गलत किया, मैं तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा। तुम तो जानते हो इसके साथ क्या करना है। ले जाओ इसे पहाड़ी से फेंक दो। हीरो रोया नहीं करते। शाम, तू रोते हुए पछाने लगा। देखना, एक दिन तू हमारा ही नहीं, पूरे दुनिया का हीरो बन जाएगा। पोछ ले अपने आंसू और मुस्कुरा दे। स्माइल, स्माइल। चलो चलो आइए, हरिनगर हरिनगर। आओ बेटा इधर साइड में आ जाओ। आइए आइए साहब, आइए साहब, आइए 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 आइए। अरे भैया, ये हरिनगर ही है ना? हाँ, यही हरिनगर है। अब तो भगवान ही आपका मालिक है साहब। चलो 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 चलो। प्रिंसिपल साहब, क्या है ये? आपके आने की किसी को खबर भी है? यहाँ तो स्कूल का चपरासी तक आपको लेने नहीं आया। पापा, हाँ? वो देखो, तांगा खड़ा है। हाँ बेटा, हाँ? तांगा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ कोई तांगे वाला नहीं है। आओ चलो चल के देखते हैं। तांगे वाला, तांगे वाला। अरे भाई, कोई है? यहाँ तो कोई नहीं है। कौन हो तुम? गफूर, गफूर तांगे वाला। कहाँ जाना है आपको? हमें हरिनगर जाना है। यहाँ से कितने दूर है? 5 मील दूर है। चलिए चलो चलिए। हाँ
भैया तुमने बताया नहीं ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? इस जगह में कोई भूत है क्या? हाँ, इस शहर में एक लाइट हाउस है 100 साल पुराना, उसमें एक भूत है। What nonsense? मैं इन सब बातों को नहीं मानता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अरे अपनी आंखों से देखोगे तब तो मानोगे। सुनिए जी, हम वापस ही चलते हैं। शट अप, तुम भी इसकी चक्कर में अनपढ़ गवारों जैसी बात कर रही हो। अगर आप बिजी हैं तो नो प्रॉब्लम, किसी और को तो मेरी हेल्प के लिए भेज दीजिए प्लीज गॉड प्लीज। चल शंटी। अरे अरे सितार। अरे मुझे उतार सितार। अरे मुझे उतार, मुझे। गीता, गीता, इस तरह किसी पर हंसते नहीं बेटा। गलत था। नहीं बेटा। ये क्या हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है? मैंनु नहीं पता। पंडित जी, ये क्या? मंदिर में भगवान की मूर्ति की जगह हाथ से बनी पेंटिंग क्यों? ये शहर का दुर्भाग्य है बेटा। इस मंदिर में भी एक बहुमूल्य मूर्ति हुआ करती थी बरसों पहले, किसी ने उसे चुरा लिया। चुरा लिया? पंडित जी, मंदिर में दूसरी मूर्ति भी तो स्थापित की जा सकती है। बहुत कोशिश की बेटा, बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी इस मंदिर में कोई नई मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की तो इस शहर को मुसीबतों और विपदाओं ने घेर लिया। पता नहीं बेटा, इस मंदिर में शिव की भव्य मूर्ति पुनः कब स्थापित होगी और शहर का उद्धार होगा। लो बेटा, प्रसाद लो। शंटी,
चलो बेटा। हरिओम प्रिंसिपल साहब, मैं एमएलए। नमस्कार। माखनलाल अकेला, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। नाम से भी एमएलए और काम से भी एमएलए। बेटा सतीश, प्रिंसिपल साहब के पांव छुओ। अरे नहीं नहीं सर, नमस्ते। आपने बताया नहीं कि आप कब आ रहे हैं। अगर जरा सी खबर कर दी होती तो मेरी गाड़ी आपको लेने पहुँच जाती। नहीं, वो मैंने सुना कि वो कमबख्त तांगे वाला आपको आधी रात को लाइट हाउस के सामने छोड़कर चला गया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, 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 आप चिंता मत कीजिए, उसका तो मैं वो इंतजाम करूंगा कि वो कमबख्त आज के बाद इस शहर में नहीं दिखेगा। सरकार कहिए तो उसको टपका दें। चुप, बदतमीज, समझ में नहीं आता कब कहां क्या बोलना है। पापा। हाँ? मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। ठीक है। ओ, आपकी बिटिया रानी है जी। बेटे इधर आओ। क्या नाम है बेटे? गीता। गीता, कितना अच्छा नाम है, भगवान श्री कृष्ण की गीता। बहुत धार्मिक नाम रखा आपने अपनी बेटी का। किस क्लास में पढ़ती हो बेटे? सिक्स में। अरे मेरा एसके भी तो सिक्स में पढ़ता है। आओ बेटे सतीश, ये मेरा बेटा है सतीश और ये गीता है। तो बेटे अपने न्यू फ्रेंड को ले जाकर स्कूल दिखाओ जी। बेटा आज तुम्हारा पहला दिन है स्कूल में, तो अपने नए स्कूल को देखो। जाओ बेटे, लेके जाओ गीता को। कम। कितनी अच्छी जोड़ी है, लगता है राम और सीता की जोड़ी। प्रिंसिपल साहब, ये कुछ फल और मिठाइयाँ आपके बच्चों के लिए। पर ये बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्ला जी। जी सर। शुक्ला जी, ये मिठाइयां स्कूल के बच्चों में बंटवा दीजिए। अरे नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, ये तो आपके अपने बच्चों के लिए है। एमएलए साहब, स्कूल के बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं। वाह प्रिंसिपल साहब वाह, क्या नेक ख्यालात हैं आपके। वाह मजा आ गया। प्रिंसिपल साहब, कभी हमारे बंगले पे तशरीफ ले आइए, बहुत सारी बातें करेंगे। आनंद आ गया। हरिओम। नमस्कार। गुलानी जी हुजूर। शुक्ला जी। जी साहब। ये एमएलए साहब किस तरह के इंसान है? साहब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये शहर का बहुत भारी गुंडा है। मैच में मैंने ऐसा छक्का मारा कि सब क्या पढ़ रही हो? ज़िडोरा अच्छी है, इससे इंटरेस्टिंग नॉवल कोई हो ही नहीं सकती। हाय एसके। हाय दीपक। हु इज शी? न्यू एडमिशन। अरे ये गीता है, प्रिंसिपल साहब की डॉटर। हाय गीता। हाय। ठीक है ये ले गीता, तुम्हारा बैग दो। एक मिनट, क्या हुआ? मेरी वीडियो गेम है, कहीं चोरी हो गई तो? कुछ नहीं होगा, तुम तो एसके के फ्रेंड हो ना। किसकी इतनी हिम्मत? हाँ तो चल। हाँ तुम्हें पता है मैच में मैंने ऐसा छक्का मारा कि वाव। ओ या क्या है? वीडियो गेम? मुझे खेलना देना प्लीज। ए, दीपक चल चल हवा दे। दीपक प्लीज देना खेलने, ये बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है, बोला ना। प्लीज देना दीपक। ए, चल हट। ओ, ले पकड़, तू भी याद रखेगा। चल अच्छा,
क्यों भाई, चलो ना बहुत मजा आएगा। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन, हैव अ सीट। थैंक यू सर। अरे तुम चलोगे क्या? चुप, चलो अपने अपने किताबें निकालो। हमेशा चिल्लाते ही रहता है यार, कहाँ रखी थी? सॉरी। इसकी मेरी बैग से वीडियो गेम गायब है। आई टोल्ड यू कुछ चोरी कर लेगा ना। एक्सक्यूज मी सर, मेरी बैग से किसने वीडियो गेम चुरा लिया? चोरी? मेरे क्लास में चोरी? पर बेटे तुम तो प्रिंसिपल साहब की लड़की हो ना? जी। किसने की ये हरकत? मैं कहता हूँ साफ साफ बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे? मैं अभी सबका बैग चेक करता हूँ, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, आपको किसी की बैग चेक करना जरूरी नहीं है, मुझे पता है कौन चोर है। किसने लिया है? हाँ सर, जब मैं आ रहा था ना, तो मैंने शाम को गीता के बैग के पास खड़े हुए देखा था। हाँ सर, आज शाम की बैग चेक कीजिए। शाम? क्या ये सच है कि वीडियो गेम तुम्हारे पास है? नहीं नहीं नहीं, वो बैग दिखाओ। You thief! Oh. How dare you? Out! Out from here! और बाहर जाके मुर्गा बनो। Get out! Yeah! Red, red rose and green, green leaf. Everybody knows that Shyam is a thief. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah, yeah, birthday. Yeah. आंटी, तेरा बर्थडे तो 3 मई को है ना? तू उसकी फिक्र मत कर, तू बस केक खा, ये ले। उसके बाद तो मैंने इसकी धज्जियां उड़ा दी। यार शंटी, तूने इन लोगों को बर्थडे पार्टी में क्यों बुलाया? अरे तू रुक यार, तू बस देखता जा, ये ले, तू उन्हें देखकर आ जा। मैं देख कर आऊं? अरे तू सवाल बहुत करता है यार, तू देख कर आ जल्दी। ठीक है। तू वेटर कब से बन गया? अरे जो जिस लायक होता है वो ही काम करता है। ए चल चल, केक ले गया, चल जा। चल ठीक, वो देखो शाम की इंसल्ट कर रहे यार। हाँ यार, तुझसे तो रुको यार, तू देखते जा वो क्या कर रहा है। मेरे लिए भी ले क्या जा। हाँ। चल जा। अरे ऐसे किसी पे हंसना नहीं चाहिए। शंटी तू खुश है ना मेरी इंसल्ट करवा के? ओ यार तू 30 सेकंड रुको सही, और बाद में देख मजा। वाह मस्त ड्रिंक है यार। यार बाथरूम मैं भी आता हूँ। इन लोगों को क्या हुआ? क्या पता, पर मैं
यार एसके, मैं भी आता हूँ। हाँ, को क्या हुआ? बच गया। अबे, अबे कौन है अंदर? अबे अंदर सो गया क्या? खोलो! अरे हाय, हाँ। एक मिनट। प्रॉब्लम फ्रेंड्स? हंस ले बेटा श्याम, हंस ले। तेरा तो मैं वो हल करूंगा कि देखना। देखो ना। सो जा, रात को सपने में भी मारती रहती है। सो जा। अरे मेरे सोने की घड़ी कहाँ गई? शायद कोई ले गया। बस रात में कमरे में कोई आया था तो मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने तो कहा था उठो जी, उठो जी। आपने कहा सो जाओ तो मैं सो गई। कहाँ से पल्ले पड़ गई? और ये क्या कर रही हो? वजन कम करने की कोशिश। तुम्हारा हो या ना हो मशीन का जरूर हो जाएगा। सतीश बेटा, सतीश गुस्सा मेरे पे उतारे। सतीश, सतीश सतीश बेटे, कमिंग डैड, बेटा सतीश, सीधा सीधा सीधा, राइट, सरप्राइज, कमिंग डैड, यस डैड, कमिंग। बेटे, तुमने मेरे कमरे से कोई सोने की चीज ली है? डैड, मैं आपके कमरे से सोने की चीज क्यों लूंगा? जैसे कि मेरे कमरे में सोने के लिए बेडशीट है, बेड है, पिलो है, तो मैं आपके कमरे से सोने की चीज क्यों चुराऊंगा? इडियट, मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। गोल्ड, गोल्ड, वो घड़ी जिसमें वर्ल्ड मैप बना हुआ है, जो मैं अपने टेबल पर रखता हूँ। अच्छा, वो गोल्डन घड़ी? नहीं डैड, मैंने तो कोई घड़ी नहीं ली। अच्छा, तुमने नहीं ली तो फिर किसने ली होगी? आए हाय, हमने तो पहले कहा था कि रात को हमारे कमरे में कोई आया था, मगर आप माने ही नहीं। लेकिन कौन आया था भाग्यवान? चोर आया था। चोर? हाँ, चोर आया था और चला गया। चला गया?
हरिओम हरिओम। अरे ये तो अनर्थ हो जाएगा। मालूम है वो घड़ी मुझे किसने दी थी? चीफ मिनिस्टर साहब ने दी थी मेरे चुनाव जीतने पे। ओहो पापा, कल शाम को मैंने शाम को अपने घर के आसपास घूमते हुए देखा था, कहीं ये उसका काम तो नहीं? ओ शाम बताओ इन्हें शाम चोर है कि नहीं? हाँ अंकल, शाम एक नंबर का चोर है, घर में भी चोरी करता रहता है। आखिर में मेरा क्रेजन ब्रदर ही तो है। हाँ अंकल, उसने कल स्कूल में मेरे बैग से वीडियो गेम भी चोरी कर लिया था। आप तो मान गए कि श्याम चोर है कि नहीं? श्याम, उस चूजे की ये हिम्मत मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरी आंखों के सामने मुझे सोता देखकर चोरी कर गया। दीपक, एसके, तुम्हारे पापा की घड़ी चोरी हो गई और तुम लोग हंस रहे हो? काहे की चोरी? दीपक, दिखा दे इससे घड़ी। ओह माय गॉड, घड़ी तुम्हारे पास थी और तुमने शाम को ब्लेम कर दिया? अरे यही तो हमारी प्लानिंग थी, शाम की टाइट विश करने की। शंटी के पार्टी में जो कुछ भी हुआ ना, वो सब उसकी प्लानिंग थी। बड़े दांत निकाल के हंस रहा था ना। फील टीचर में लेसन, अब देखना मेरे पापा क्या हालत करते हैं उसकी। मार मार के उसकी चटनी बना देंगे। ये! मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। बता दो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अपने पापा को बता दूंगी, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। मैं जा रही हूँ। अरे गीता रुको। खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आवाज दो। बाहर निकल। ये लोग मेरा नाम लेकर क्यों चिल्ला रहे? मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे कौन है? एमएलए साहब, आप हमारे पुअर फूड में कैसे? पुअर फूड? इसका मतलब है गरीब खाने में कैसे? श्याम आपका भांजा है? नहीं, क्या नहीं? तुम चुप रहो। हमारा भांजा है, कहिए क्या बात है? ओहो, तो मामा वकील और भांजा चोर? 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 श्याम ने मेरे घर से, मेरे कमरे से सोने की घड़ी चुराई है। गोल्ड वॉच? आने दो श्याम को, आने दो। नहीं नहीं, एमएलए साहब आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं 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 नहीं, we don't know anything and we know everything, मतलब everything is anything and anything। अंग्रेजी बोलकर मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। I know अंग्रेजी, understand very much everything, anything and nothing। एमएलए साहब, ये सब क्या हो रहा है? देखिए घड़ी श्याम ने नहीं बल्कि आपके बेटे सतीश ने चुराई। प्रिंसिपल साहब, सोच समझकर बात कीजिए। आप जानते हैं इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? एमएलए साहब, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मेरी बेटी गीता ने वो घड़ी खुद अपनी आंखों से आपके बेटे सतीश के पास देखी। बस सुन लिया ना एमएलए साहब, मैंने कहा था ना हमारा श्याम चोर नहीं है। तो क्या हमारा सतीश चोर है?
ये कहना चाहते हैं आप लोग? सतीश अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा? आखिर क्या कमी है उसको? माखनलाल अकेला का बेटा है। Thank God, Tingu, तुम लोग आ गए। ये लोग क्या कह रहे हैं यार? मेरे कोई घड़ी नहीं चुराई, मैं इसके के घर भी नहीं गया हूँ। तेरे भांजे श्याम ने मेरे घर चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है। एक बार हाथ आ जाए हाथ काट कर फेंक देंगे। श्याम अब तेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। श्याम तू भाग जा यहाँ से, वो लोग तुझे मार डालेंगे। श्याम तू भाग यहाँ से। कहाँ छुपाए देखते हैं। श्याम तू भाग जा, तू भाग जा। श्याम चल ऊपर चल के देखते हैं। चल भाग जा श्याम भाग। वो रहा। चलो आतो पतलो से। अबे छोरा कहीं अंदर तो नहीं गया? हो सकता है उललता है तीते अंदर छुपाओ। अबे कहाँ जा रहा है? इसमें भूत है। अबे गुलानी अगर उसे नहीं पकड़े ना तो इस भूत से बड़ा भूत हमारा मालिक है। हम चारों को भूत बनाकर जंगल में छोड़ देगा उधर। तही बोला। रात हो गई, कब तक इंतजार करेंगे? अब तक तो भूत ने शाम का काम तमाम कर दिया होगा। चापल मौत होने वाली होती है ना, वहाँ पर पहले उल्लू दिखाई पड़ता है। मैंने तो चीलर गीत के लिए सुना था। अरे जमाना बदल दिया है।
क्या कर रहा है? इतना डर क्यों रहा है? मर रहा साला। मुझे तो मजा आ रहा है। अरे मुझे तो कुछ कुछ ही हो रही है। नाप, नाप, नाप। आप तक बहुत भागो। भागो। मंदिर वाली मूर्ति है। मंदिर के खुलने तक यही इंतजार करूंगा। हो गया रॉबर्ट, $3,00,000 का ट्रांसफर हो गया। थैंक यू रॉबर्ट, थैंक यू वेरी मच। अब बहुत जल्द कोई कमाल का एंटीक पीस ढूंढकर तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ हाँ, बहुत जल्द। अरे रॉबर्ट, इसमें हमारा भी तो फायदा है। अरे जब तक एमएलए की कुर्सी पर बैठा हूँ, बैंक के लॉकर तो भर लेने दो। बड़ी बड़ी बातें। अरे रॉबर्ट, एमएलए हूँ, बड़ी बड़ी बातें ही करूँगा। और जब तक झूठ नहीं बोलूँगा तो हमारा खाना हजम कैसे होगा? ओके ओके, फोन रखता हूँ, बाय। पीछे लो गाड़ी, पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो। श्याम, श्याम जिंदा कैसे बच गया? ये मूर्ति यहां कैसे? क्या हुआ सरकार? सरकार के बच्चे, तुमने तो कहा था शाम के बच्चे को लाइट हाउस में बंद कर दिया है। सरकार, इसको तो हमने अपने हाथों से बंद किया था। लेकिन वो यहाँ है, कैसे कैसे वहाँ है? कैसे कैसे कैसे? होने वाली है, खत्म कर दो जान से। शिव शंभु। कौन है, कौन है? बचाओ, बचाओ मुझे। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? निकालो मुझे यहाँ से। बचाओ, बचाओ, छोड़ो, 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 छ
समझ में नहीं आ रहा है शाम गया तो गया कहाँ। मैंने भी दो तीन जगह पर लोगों को भेजा है। शाम होने को आई, अब तक तेरा कोई एड्रेस नहीं। सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी बेटा, वो आ जाएगा। भाई सब गए हैं ना उसे ढूंढने, आते ही होंगे। लो जी भाई साहब आ गए। कुछ पता चला? क्या हुआ, मिला शाम? नहीं मिला। हरिनगर का चप्पा चप्पा छान मारा। कौन सी जगह थी जहां मैंने उसे नहीं ढूंढा? आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई? हाँ, फोटोग्राफ छोड़कर आया हूँ। पता नहीं पुलिस भी उसे ढूंढ पाएगी कि नहीं। ये एमएलए बहुत बुरा आदमी है। कहीं उसने अमर श्याम को। अगर श्याम को कुछ हो गया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। शट्टी, मेरे मामा मामी उससे कितना प्यार करते हैं। देखिए बहन जी, रोइए मत, प्लीज। मामा, मामी, श्याम, श्याम, बेटा, मेरा बेटा, कहाँ चला गया था तू मेरे बेटे? भूखा होगा ना, कुछ खाया नहीं होगा ना? आ, आ, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। आ बेटा, आ। खा ले बेटा। ये क्या कर रही हो? ये तुम इंसान हो या हैवान? हूँ। छोड़ दो उसे। नहीं, छोड़ दो। आज इसके और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन क्यों बे? चोर चोरी करेगा? हैं? हैं? चोरी करेगा? खून ही गंदा है तेरा। लाट साहब की तरफ बैठ के खाना क्या खा रहा है? बोल। तेरी जगह यहाँ नहीं है, समझे? चल बताती हूँ तेरी जगह कहाँ है। चल। काम चोर, बर्तन दो, चमकने चाहिए। देखता क्या दूंगी मैं उल्टे हाथ का? जल्दी कर, कपड़े भी है बाहर। तो चमक रहे,
इतने जल्दी सारे कपड़े धो दिए? कहीं पानी में से तो नहीं निकाले तूने? अरे कपड़े तो पूरे सूख गए, लेकिन इतने जल्दी कैसे धो दिए इसने? ए, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा मेरा कमरा साफ कर। How pleasant! कितना डरावना है ये सब। तेरे बर्तन किसने धोए? तेरे सारे गंदे कपड़े किसने धोए? तो ये खाई में मरने से बचाया किसने? मैंने। अब बता, मैं तेरा दुश्मन या दोस्त? लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि तूने हेल्प किया। तूने मेरे को हेल्प की, तूने मेरे को फ्री किया। अगर ना तुम लाइट हाउस में बंद है तो तुम लाइट हाउस वाले भूत हो? नहीं, एक समुद्र डाकू लोगों को मारता था, लूटता था, डराता था, मगर तेरा दोस्त डाकू पायरेट। 100 साल तक कोई जिंदा रह सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम भूत हो, तुम भूत ही हो ना? पहले पायलट था, समझा क्या? फिर तुम भूत कैसे बन गए? लाइटर्स में कैसे पहुंच गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझेगा कैसे? अभी तक मैंने अपनी स्टोरी बताई नहीं, सुनेगा? आज से 100 साल पहले मैं समुद्री लुटेरा था, बहुत बड़ी गैंग थी मेरी, लोग मेरे नाम से कांपते थे, समुद्री इलाकों में मेरा राज चलता था। एक दिन मेरे साथियों ने मुझे खबर दी कि हरिनगर नाम के शहर में एक मंदिर है जिसमें एक कीमती और चमत्कारी मूर्ति है। मैंने मूर्ति के लालच में आकर हरिनगर पर अपने साथियों के साथ हमला किया। मैं पहुंचा सीधे मंदिर, उस चमत्कारी मूर्ति को चुराने। बस वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी।
मूर्ति को बचाने के लिए हरिनगर के लोग मेरे पीछे लग गए। मुझे जान बचाकर भागना पड़ा। इतनी सारी भीड़ देखकर मेरे साथी भी मेरा साथ छोड़ गए। मैं अकेला अपनी जान बचाता मूर्ति उठाए भाग रहा था, और मेरे पीछे भाग रहा था पूरा हरिनगर। भागते भागते किसी तरह लोगों की नजर से बचकर मैं लाइट हाउस में घुस गया और झट से दरवाजा बंद कर दिया। पकड़े जाने के डर से लाइट हाउस में बहुत देर तक छुपा रहा और लोगों के वापस जाने का इंतजार करता रहा। काफी समय बाद रास्ता साफ देखकर मैंने भागने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगा कि मूर्ति को बाहर ले जाना ठीक नहीं। मैंने मूर्ति को लाइट हाउस में गाड़ कर छुपाने की कोशिश की। तभी अचानक बिजली कड़की, लाइट हाउस की खिड़की और दरवाजा जोर से हिलने लगे और फिर बंद हो गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उन्हें खोल नहीं पाया। तब एक आकाशवाणी, पापी दुष्ट, तूने इस पवित्र मूर्ति को चुराने का दुस्साहस किया। तूने लोगों की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। अब तो इसी जगह पर तड़पता रहेगा। जब तक इस मूर्ति को यहाँ से आकर कोई नहीं निकालेगा, तब तक तो भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। अब इस मूर्ति के मंदिर में स्थापित होने के बाद ही तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। सौ साल तक मैं उस लाइट हाउस में कैद था। तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, कोई आया आ जाओ बचाओ। कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। लोग उस भूत से डरते थे, मुझसे डरते थे, लेकिन तू आया, मुझे आजाद किया। अगर तू मुझे बाहर नहीं निकालता तो ना जाने कितने साल तक मैं वहां कैद रहता। तेरे इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तूने मेरी दुनिया बदल दी, मैं तेरी दुनिया बदल दूंगा। हरा समंदर, गोपी चंदन, बदल दे नक्शा, कर दे वंडर, शाबाश। पसंद आया? ये सब मेरे लिए है। थैंक यू भूत अंकल। क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए? रूम पसंद नहीं आया? नहीं, वो बात नहीं है। अगर वो मूर्ति फिर से मंदिर में नहीं लगी तो क्या होगा? मैं यूं ही सालों साल भटकता रहूंगा। ओह नो, वो मूर्ति तो उन्हीं लोगों ने छीन ली थी जिन्होंने मुझे उस खाई में फेंका था। मुझे उस मूर्ति के बारे में कुछ नहीं पता है। पर आपके पास तो इतनी सारी पावर्स है, आप अपनी पावर से उस मूर्ति का फटाफट पता लगा कर मंदिर में लगा कर फ्री हो जाओ ना। वही तो मैं नहीं कर सकता। न मैं उस मूर्ति को छू सकता हूँ, न मैं उस मूर्ति को ढूंढ सकता हूँ। यही तो शराब है मुझ पर। मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस किसके पास मूर्ति है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उस मूर्ति को किसी भी हालत में ढूंढ कर मंदिर में लगवा कर आपको जरूर मुक्ति दिलवाऊंगा। शाम का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। क्या बच्चा है तू? क्या बच्चा है? ये जानते हुए कि मूर्ति मंदिर में लगाने के बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा,
फिर भी तू मुझे हेल्प करना चाहता है? आपकी प्रॉब्लम्स के सामने मेरी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। वैसे भी हमारी टीचर कहती है जो दूसरों की हेल्प करते हैं भगवान उनकी हेल्प करते हैं। क्या बात है बिड़ू, सारी जिंदगी में मैं ये नहीं सीख पाया जो तू छोटी उम्र में सीख लिया। तेरे जैसा टीचर अगर मेरे पास होता तो शायद मैं पायलट नहीं बनता, 100 साल अंदर नहीं पड़ा रहता। मगर एक बात है बाबा, तेरे को हेल्प किए बिना अपन यहाँ से हिलने नहीं वाला, अपना कसम है। भगवान नहीं, भूत है भूत। मगर जाएगा नहीं, तेरे को हेल्प किए बिना अपन जाएगा नहीं। सच्ची सच्ची अंकल, आई मीन भूत अंकल। क्या बोला, फिर से बोल। भूत अंकल, आपको बुरा लगा क्या? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज तो मैं भूत था, आज मैं भूत अंकल बन गया। बोलो। मैं जो कहूंगा वो आप लाके दोगे मुझे? कोशक। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए रसगुल्ले। मैंने 2 दिन से खाना ही नहीं खाया है। मांगा तो क्या मांगा? नबीला, हरा समंदर, गोपी चंद। भूत अंकल, आप कहाँ गए? चोरी करके खाना भी फेंक गया? अरे मेरा मुंह क्या देखता है, उत्तर नीचे। कैसी कमीनी औरत है, इतने से छोटे बच्चे पे जुल्म ढा रही है। भूखी प्यासी फिल्म देख रही है और तुम हो के सारे रसगुल्ले ईट कर गए। कौन से रसगुल्ले? मैंने रसगुल्ले क्या, रसगुल्ले का बॉल भी मैंने नहीं देखा है। यू स्लीपिंग लॉयर, मेरे रसगुल्ले का बॉल मुझे लाकर दो। मुझे क्या पता तुम्हारे रसगुल्ले का बॉल कहाँ है, मैं तो सो रहा था। तुमने नहीं खाए? तो फिर ये तुम्हारे माउथ में रसगुल्ला आसमान से टपक गया? मुझे तो वो भी नहीं पता, आसमान से टपके रसगुल्ले की कसम। मैंने नहीं खाए, तुमने भी नहीं खाए, तो फिर रसगुल्ले विजिबल कैसे हो गए? इनविजिबल। चुप, ये जरूर उस थीफ का वर्क होगा। मेरे आइस के ऑपोजिट मेरे रसगुल्ले फ्लाई करके ले गया। दीपक, दीपक। तो क्या रसगुल्ले है? तेरा जादू दिखाती हूँ मैं, रुक!
कमाल है, बेवकूफ है ये पता है, पागल कब से हो गई? डार्लिंग क्या हुआ? अरे हंस रहा है। क्या हुआ डार्लिंग, क्यों आड़ी तेड़ी खड़ी हो, ये क्या हो गया तुमको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हैंड टर्न करने की? अरे मैंने टर्न नहीं किया है, मैं तो अभी अपने कमरे से यू टर्न लेकर आया हूँ। क्या कर रही हो, मैंने आज तक कभी तुम्हें मारा है? कभी हिम्मत की है? मैं तो मारने जाऊंगा तो तुम मुझे मार दोगी ना, मुझे पता है। ये क्या हो रहा है? माफ नहीं करूंगा, बहुत तंग कर लिया आज तक तूने मुझे, क्यों जब देखो तब मुझे, साइलेंट हो जा, साइलेंट हो जा, मेरे मुंह पर पट्टी लगा रखी थी क्यों? नहीं नहीं नहीं, अब मैं कीप क्वाइट करूंगी, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। भगवान के लिए छोड़ दूं? ये श्याम को कितना तंग किया है, हाँ? आज के बाद कभी श्याम को तंग करेगी? नहीं 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 नहीं, उसे मारे? नहीं 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 नहीं, मैं उसे बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, बिल्कुल टाइट नहीं करूंगी उसे मैं, वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है, माय हार्ट पीस, मेरा लगते जिगर है वो, मेरा वो है। माफी मांगो। माफ कर दो। अरे उससे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, अपने मामा को बोल, बोल बेटा माफ कर दो, माफ कर दो। ठीक है ये ले, ठीक चल जा। स्वीट बॉय, वेरी स्वीट बॉय। Sweet boy. Sweet boy. Shyam, 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 मेरे प्यारे बच्चे, ये सब क्या क्या हो रहा था? अरे भाई साहब, तीन गोले बनाई है। मान गए इसके तुझे, तूने तो शाम के बच्चे का क्या बैंड बजाया, बेचारे को तो घर छोड़कर ही भागना पड़ा। मेरा नाम एसके है, किसी के पीछे पड़ जाऊँ ना तो उसको अपने सामने टिकने नहीं देता हूँ। उधर चलो, मैं उधर चला। तो मेरा टाइगर ही काफी है, चो टाइगर चो। अंकल, बोल। अबे कौन है तू? हाँ? भिकमंगे? अंदर कैसे आ गया? दरबार ने रोका नहीं? मैं भिखारी नहीं हूँ पापा। हाँ? पापा? भाग 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 बाहर, बाहर जाके भीख मांग। आई हाय, ये सुबह सुबह किसको गाली दे रहे हो?
मैं। अरे ये देखो भिखारी के बच्चे को। ये तो मेरा सतीश है। हाय मेरा लाल। हाय ये तो हमारा लाल है। लाल नहीं काला है, काला और ऐसा काला लाल तुम्हारा ही हो सकता है। ए माली चल जल्दी आ जा इधर, क्या हालत बना रखी मेरे लाल। अबे अब रो क्यों रहा है? टाइगर को घुमाने तू ले गया था और टाइगर तुमको घुमा के ले आया। कुत्ता संभलता नहीं तो फिर लेके क्यों जाता है? टाइगर टाइगर टाइगर। पापा टाइगर को कुछ मत कहिए, कहना तो उस शाम के बच्चे को कहिए। पता नहीं शाम ने क्या किया कि हमारा टाइगर मुझे यहाँ खींच लाया। श्याम ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं इससे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो श्याम नहीं, जरूर कोई और होगा। इतने अच्छे कपड़े? सरप्राइज सरप्राइज मैजिक। श्याम पैसे लाया ना तू पिकनिक के लिए? टीचर बोल रही थी। मुझे पैसे वैसे लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो यूं ही चला जाऊंगा। क्यों है ना? स्कूल का अपना ही डिसिप्लिन होता है। इस लफड़े में मेरे को मत घुसा, खुद निपट। मैं पिकनिक पर नहीं आ सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं श्याम, पैसे अरेंज हम करेंगे तुम्हारे लिए। हाँ तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? 100 रुपए हैं, ये लो। दो दो। मेरे पास भी 100 रुपए हैं। दो दो। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ ये लो बाकी के 100। ये पूरे 400 हो गए। मुझे गीता के पैसे नहीं चाहिए। श्याम पर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है ना। दोस्त 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 को चोर नहीं बोलता। I'm sorry श्याम, वो एसके और दीपक ने तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई। नहीं I'm sorry श्याम प्लीज। तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई क्लास में और सब लोगों ने मुझे चोर कहा। प्लीज फॉरगिव मी श्याम प्लीज। नहीं प्लीज कर लूं दोस्ती। स्वीट गर्ल प्यार से सॉरी बोल रही है, मान जा, अकड़ेगा तो रखड़ेगा। हाँ कर लूं, लिख के दूं। ओके फ्रेंड फ्रेंड। ये श्याम किससे बात कर रहा है वहाँ पे? वहाँ पे तो कोई नहीं है। मैजिक भूत अंकल मिलोगे? ये भूत अंकल कौन है टिंगू? ये भूत अंकल कौन है? हाँ हाँ मिलेंगे। एक मिनट अंकल प्लीज दिखो ना, ये सब मेरे फ्रेंड्स है। नहीं नहीं अंकल प्लीज दिखो ना। अरे तेरे को दिखता उसका मतलब क्या सबको दिखूंगा? प्लीज अंकल। नर बोला ना नहीं प्लीज। अरे पका मत अंकल प्लीज। यू श्योर? श्योर भूत अंकल। अरे बच्चे लोग डरने का नहीं, दोस्त है दोस्त। ये भूत अंकल। सिर्फ तुम लोगों को दिखता हूँ। ओके सीक्रेट। पेट पे जाना है? हाँ जाना जाना जाना। हरा समंदर गोपी चंदर सब बच्चे लोग भागल। मिल गया साथी कोई अपना, हो गया सच देखो हर सपना। मिल गया साथी।
ओ बच्चों मेरा ये कहना, तुम किसी से कभी नहीं डरना। मैं आता हूँ गुम हो जाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगता हूँ। जिल हम सब जाएंगे हिल, things will do funny funny, life में आएगा thrill, leave your frown at home, let's play some ringtone, eat थोड़ा pizza, smile Mona Lisa, मैं तुम्हारे संग हूँ तुम ना रहना गुमसुम। निकम्मों नालायकों, मैंने सचमुच गधों की फौज पाल रखी है, एक भी काम ढंग से नहीं करते गधे। उल्लू के पट्टे इतने बड़े हो गए और एक पिद्दी से बच्चे से पिट के आते हो। सरकार, वो कोई मामूली लड़का नहीं है, उसका मुकाबला करना है ना बहुत मुश्किल है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, जब वहाँ कोई था ही नहीं तो तुम लोगों की हालत किसने की? जरूर कोई ना कोई उसके साथ हो। हाँ हुजूर, वहाँ कोई ना कोई था जलूल जो हमें दिखाई नहीं दिया। दिखाई नहीं दिया? मिस्टर इंडिया था क्या जो दिखाई नहीं दिया? अंकल, लेकिन आपने तो सबके छक्के छुड़ा दिए। तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट लाता हूँ, ओके? कहीं ये सब उस मूर्ति की वजह से तो नहीं हो रहा? जब से श्याम के हाथ मूर्ति लगी है वो हमारे हाथ नहीं आ रहा है। जरूर उस मूर्ति ने उसे कोई शक्ति दी है, मुझे इस मूर्ति का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है अंकल, मुझे भी तो देने दो। आप इतने परेशान क्यों हैं? ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मूर्ति शहर से दूर चली जाएगी। पर भूत अंकल, आप इतने शौक कैसे हैं? आपको कैसे पता? बेटे, इस मूर्ति से मेरी मुक्ति जुड़ी हुई है। जब भी इस मूर्ति पर कोई खतरा आता है तो न जाने मुझे क्या हो जाता है। अगर ये मूर्ति यहाँ से चली गई तो मुझे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। अंकल, इन खुशियों में मैं अपना प्रॉमिस भूल गया था, लेकिन मुझे अपना प्रॉमिस ठीक तरह से याद है और हम उस मूर्ति को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हम उस मूर्ति को जरूर ढूंढेंगे।
रोबोट। पर शाप, हम उस मूर्ति को ढूंढेंगे कैसे? तुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मूर्ति तुमसे छीनकर कौन ले गया? हाँ, कहाँ जाएंगे, कैसे ढूंढेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ शाम? शाम, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? ये जीप, ये लाइट, गीता, जब मुझे पहाड़ी से फेंका गया था तो ये जीप वहां थी। गीता, ये वहां थी। ये वही जीप है। आर यू श्योर शाम? इसका मतलब हमें ये पता लगाना पड़ेगा आखिर ये जीप है किसकी। हाँ टिंगू, यही जीप हमें उस मूर्ति तक लेकर जाएगी, तभी मेरे भूत अंकल को मुक्ति मिलेगी। Mr. Takela. Come on, let's go. Hello, Mr. Robert. Hello, Mr. Takela. Akela. Yeah, okay. हम बहुत जल्दी में हैं, इसलिए हमें जल्दी फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि खतरा बढ़ गया है। Right. इसीलिए हमने आपको इतनी जल्दी यहाँ बुलाया है। अब मैं आपको एक नायाब चीज दिखाता हूँ, बहुत ही बेशकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। मिस्टर थकेला, ये बहुत ऑर्डिनरी सी मूर्ति है, इसका 2 करोड़ रुपया? मिस्टर रॉबर्ट, देखने में साधारण है लेकिन है बहुत चमत्कारी मूर्ति ये। फायदे में रहोगे, मेरी बात मान लो। ओके, क्योंकि तुम हमारा पुराना दोस्त है, आई ट्रस्ट यू, हनी, गिव हिम द मनी। गिव इट टू हिम बेबी। एमएलए अंकल, आपकी बोल खुल चुकी है, मूर्ति हमारे हवाले कर दीजिए, वरना बैंड बजा देंगे। क्यों बच्चों, पर निकल आए हैं क्या? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं शहर में, क्यों? नालायक, जुबान लड़ाता है। गोपी चंदन बन जा हीरो मस्त कलंदर। What's all this? Shut up! Hey, move! क्या देख रहे हो? पकड़ो! Yeah, come on!
ये क्या कर रहे हो? मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? अबे कमबख्तो, बच्चों से भाग रहे हो? मेरा बैग कहाँ गया? मेरे पैसे! कमबख्तो, जादू करता मेरे साथ! जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गोली मार दूंगा! बस, बहुत हो गया! अगर मेरा डॉलर वाला बैग वापस नहीं दिया, तो मैं इसे गोली मार दूंगा! मार दूंगा गोली! मार दूं, गोली मार दूं! Thank God, Mr. Thakela! खेला, केला! Not केला, अकेला! खेला, बनाना, बनाना! Shut up! तुम लोग मेरा डॉलर वाला बैग वापस देते हो, या मैं इसे गोली मार दूं? एक, दो, तीन! Let me run to America in my car. Come on, baby, start, start, sweetie, start. Come on, here we go. Oh, oh, where does she take me? Why is she bugging? She's rising. Ah, help! Christ! Christ, help me! Christ! I don't want this ride! Christ, help me! Roller coaster! Why me? I don't want this ride! तुम क्या तुम्हारी कंट्री में हमको भूत से मरवाने के लिए बुलाया मिस्टर केला? केला! क्यों अंकल? आपका भी तो हाल बेहाल कर रहा है। आपके पास तीन ऑप्शन हैं। ए, हवा में उड़ना। बी, घूमना है। हाँ। सी, या दोनों का मजा लेना है। यानी उम्मीद से दुगुना। अरे मेरे बच्चों, इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना, हमें जाने दो। पर आपका टिकट तो हमने बुक किया है। कहाँ का? हवा का। अभी
आपकी शाम ने तो कमाल ही कर दी। सच? अरे इस शहर के बरसों पुराने रहस्य को सुलझा कर वो तो शहर का हीरो ही बन गया। अरे हीरो नहीं प्रिंसिपल साहब, सुपरस्टार बन गया है। मेरा शाम। तुम्हारा शाम? तबीयत तो ठीक है ना मिसेस इंडिया? अरे हटो जी, मिसेस इंडिया ना सही लेकिन मदर इंडिया तो बन गई मैं मेरे शाम की वजह से। बोलो। सबसे अच्छे बेटे की सबसे अच्छी माँ। सबसे अच्छी। प्रणाम। अरे एमएलए साहब, आपने तो अपने आप को बिल्कुल ही बदल दिया। अरे मैंने तो पहचाना ही नहीं। आप लोगों ने ठीक समझा, लेकिन मैं सिर्फ अपनी शक्ल से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी बदल गया हूँ। प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। एमएलए साहब, मूर्ति स्थापना का मुहूर्त निकला जा रहा है, हम चाहते हैं कि ये शुभ कार्य आपके कर कमलों से हो तो अच्छा है। नहीं पंडित जी, अब इसका हकदार मैं नहीं श्याम है। वाह। लेकिन श्याम है कहाँ? भूत अंकल, मेरा मन नहीं कर रहा मूर्ति मंदिर में लगवाने के लिए। मेरा बरसात कौन खेलेगा? कौन हमें इतनी सारी खुशियां देगा भूत अंकल? ठीक है बच्चों, तुम यही चाहते हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन शाम, भूत अंकल को भी मुक्ति चाहिए ना। सॉरी भूत अंकल, हम आपको खोरा नहीं चाहते थे, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा था। मैं मूर्ति मंदिर में जरूर लगाऊंगा। हर हर महादेव। रो मत। शाम इस शहर में खुशहाली लाया है। हर बच्चे में एक भगवान का रूप होता है, कोई भी कभी किसी बच्चे को तकलीफ ना पहुंचाए। सच देखो हर सपना अपना अपना। मैं आता हूँ गुम हो जाता हूँ तुम्हें अच्छा लगता हूँ।
इज अ मैन, सारी दुनिया उनकी फैन। यू कैन नॉक नॉक एट हिज डोर, ही विल लव यू, गिव यू मोर। तुम्हें डर किस बात का है, भूत अंकल साथ है। वो 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 Let's do some bhangra, it's gotta be hot and thakra. Un, dos, tres, and four, Punjabi munde on the floor and sing. Bara bara lady, sugary baby, kiss and caress on the maybe. Let's have a fun in the sun. Bara bara lady, sugary baby, kiss and caress on the maybe. Let's have a fun in the sun.